first inspiration which draws you to this glamour industry? ऐसा क्या था जो कि आपको glamour industry में attract करने के लिए model के तौर पे actor पहला तो बहुत पहले था जब मैं 2 साल की थी. अच्छा पहला बहुत पहले था जब मैं 2 साल की थी और मैंने ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन को मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स बनते हुए देखा था. तो तब मैंने सबसे पहले बोला था कि मुझे मिस इंडिया बनना है और जो ड्रीम बहुत अच्छे से साकार हुआ. सो या पहली इंस्पिरेशन वही थे. एंड देन उसके बाद फैमिली हमेशा बहुत सपोर्टिव थे. सो आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ द रीजन्स that I could carry on to my dream. Yeah, I mean, you are quite successful at the beauty pageant as well. But wasn't it difficult or wasn't it challenging to reach that kind of height? It was quite challenging because there are, if I say that I'm good, then there are also other contestants who are very good. So you don't know who those contestants are. और वहाँ पे आके suddenly एकदम नए लोगों से मिलना और उनके साथ compete करना इज नॉट दैट ईजी. बट हाँ, हमारे कुछ ग्रूमिंग प्रोसेस और ट्रेनिंग्स इतने अच्छे से होता है कि आई थिंक इफ यू आर मेंट फॉर इट यू कैन डू इट वेरी इजीली. वेल, लवशुदा एक बहुत ही प्यारी सी यंग यूथफुल लव स्टोरी है जो ड्रीमी लव स्टोरी नहीं है, बहुत रियलिटी से रिलेटेड लव स्टोरी है जो हम आप और हम बहुत इजीली इससे कनेक्ट कर सकते हैं. एंड ये मुझे ऐसे मिला कि एज अ मिस इंडिया मैं इससे पहले भी मिस्टर राजकुमार संतोषी के साथ एक पिक्चर पे तकरीबन 8 महीने के लिए काम कर रही थी. एंड इन बिटवीन दैट मिस्टर मार्क रॉबिन्सन जो हम जो मेरे मेंटर हैं तो उन्होंने मुझे वैभव मिश्रा से मिलने के लिए बताया. और मैं उनसे जब जाके मिली उन्होंने मुझे कुछ सीन्स बताए कि नरेट किए तो कि क्या आप पूजा जैसी हैं. सो आई थिंक वहाँ पे वो हम इतने सेम जगह पे देखिए पूजा कैसी है. पूजा मेरे कैरेक्टर का नाम है लवशुदा में. So I think that's how this film happened. You know, Girish is working in a film. His first movie was not quite a success. So will that affect the film's future as well? Well, I think his film was quite a success because it is it was वो बहुत ही थोड़े rural कह सकते हैं rural urban के बीच वाले India से वाकिफ रखती है. So it was a success, but I think उस time पे जैसे कि मैंने जाना है अभी तक और सब बताते हैं कि भाग मिल्खा भाग और उनकी पिक्चर सेम टाइम पे आई थी. सो आई थिंक दैट समवेयर अफेक्टेड बट आई डोंट थिंक दैट टू वेरी डिफरेंट फिल्म्स की लास्ट पिक्चर या किसी की भी कोई और पिक्चर एक पिक्चर को अफेक्ट कर सकती है. आई डोंट थिंक सो बिकॉज दैट टू वेरी डिफरेंट फिल्म. वेल, मैंने कोई एक्टिंग प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है बट मेरी यूनिवर्सिटी में मैंने बीटेक किया है इन टेलीविजन फिल्म प्रोडक्शन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी. एंड मैंने काफी यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया जिसमें थिएटर में या फिर कुछ स्किट्स होते थे प्ले होते थे उसमें काफी मैंने पार्टिसिपेट किया. बट मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म में भी काम किया ड्यूरिंग माई कोर्स. सो आई थिंक वहां से मैं कैमरा से थोड़ी ज्यादा फेमिलियर हुई. Talking about today, Bollywood divas such as Katrina is there, Priyanka is there, Kareena is there. Do you admire anybody, and why do you admire them? Is the reason for that purpose? I admire all of them. In fact, they're all very good in their own fields. Deepika is so lovely in every character she plays. I mean, aise nahi bol sakte that she's the same in every character. She plays it very differently, and she's just amazing. And Priyanka has always been an inspiration. She from the first ever film that I had seen her till Bajirao Mastani or even what she is doing in Hollywood right now or her Hollywood serial Quantico, she has been amazing and she's a great inspiration to I think every girl like me. You know, getting success in the glamour industry is like a gamble. It's not sure that you can get that success. Do you have any backup plan for that purpose? वेल, ऐसे कोई बैकअप प्लान नहीं था बट या लाइक आई सेड कि मैंने बचपन से सिर्फ यही बोला था कि मिस इंडिया बनना है. सो आई थिंक भगवान भी कहीं ना कहीं साथ देता है और भगवान ने साथ दिया तो यहाँ आई. बट बैकअप प्लान
एज सच मैंने सोचा नहीं था कि क्या बैकअप प्लान होगा, बिकॉज जो हमारी चाइल्डहुड ड्रीम होती है हम उसके साथ कभी बैकअप प्लान. उसके बाद बोला था मिस इंडिया बनना है, मिस इंडिया बट करियर नहीं है, मिस इंडिया इज अ टाइटल दैट यू विन, इट्स एन अचीवमेंट. तो उसके बाद जब सोचा कि अब क्या करना है, तो हाँ आई थिंक एक्टिंग बेस्ट काम कर सकती हूँ या फिल्म में काम कर सकती हूँ, सो आई थिंक दिस इज माई प्लान अहेड. It's also said that, you know, getting a role in Bollywood or in the glamour industry as such, which is television or Bollywood films, is not easy as such. Sometimes you have to go through very rough experience, very bad experience. Have you ever faced any kind of experience which is very bad, very rough, very sort kind of experience? No, I think I've been fortunate enough and मुझे ऐसे कोई ख़राब एक्सपीरियंसेस तो नहीं हुए, बट या हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, बट ख़राब एक्सपीरियंस टचवुड अभी तक कोई नहीं हुआ है. सो या आई बीन क्वाइट फॉर्चुनेट इन दैट केस. No, I think it's not important to have a godfather as such, but हाँ बड़ों का आशीर्वाद बहुत होता है, जो चाहे आपके इंडस्ट्री में गॉडफादर्स हों या आपके पेरेंट्स हों, पेरेंट्स का आशीर्वाद जितना मिलता है आई थिंक वो बेस्ट चीज़ होती है. सो दैट रियली हेल्प्स, एंड अदर देन दैट आई थिंक यू हैव टू बी वेरी हार्ड वर्किंग एंड पैशनेट, एंड इट्स ऑलवेज अबाउट लक. Well, that film is with Diljit, and Diljit is a superstar in Punjab right now, and I can't really tell you a lot about the film because abhi thoda dur hai picture, and but it's a very interesting subject. It's quite different from what we normally see in Punjabi films, and it's a very interesting subject, and to work with Diljit is like a dream. Lastly, I want to ask you, there are many factors involved for getting success, whether it be beauty quotient or if it be good public relations skills or, you know, hard work. What really matters for you as an individual? Well, I think definitely public relations matter, because wo har field mein matter karte hain, that you have to be a humble and a nice person to everybody. I mean, agar aap kharab insaan ho to aapko kahin pe bhi koi bhi pasand nahi karega, not only this industry. So you have to be very nice and humble to everybody. You have to be good at heart, I feel. And other than that, I think this industry works a lot on hard work. आपको बहुत hard working और passionate होना पड़ेगा काम के लिए, जो कि सामने किसी को दिखाई दे कि आप उतने passionate हैं. So yeah, I think that's what. Thank you very much. Yeah, just.